इस कमेटी के सभी समाज तो गाइस देखिए मेला में ये हमारे पुराने दोस्त मिल गए हैं और आप लोग देख हाँ तो देखिए हम लोग सबसे पहले वीडियो बना रहे थे, शुरुआत किए थे उस समय, ये जो नाम आपका भूल गया यार, दिलीप तो इनका भी एक चैनल था, सबसे पहले वहाँ तिरु फॉल में मिले थे। तो देखिए मेला में वो आज फिर हमारा लिंक, हाँ लिंक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ पर लिंक डला हुआ है और पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ कुछ बोलो, हाय कैसा लग रहा है भैया को फुल सपोर्ट करें। हाँ मेरा दोस्त लोग है, सभी लोग इधर उधर बिखर अकेले ही बनाते हैं कि दोस्त लोग हैं ना कि इधर चलो उधर चलो तो ऐसा में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जानबूझ के अकेले हो जाते हैं। अकेले करने आपसे मिले, अच्छा के बाद आज पहचाने, मुझ दाढ़ी बढ़ा लिए ना, तो बड़ा हो गया लड़का, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सच। और आप लोग इतना ही आए ग्रुप में? इतना ही पे आए हैं भैया, तो फोटो खिंचा लेते हैं। जरूर जरूर, आगे अपने सुंदर आशीर्वचन के लिए इसी तरह से हम बारी बारी से हमारे आगंतुक मेहमानों से कुछ आशीर्वचन स्वरूप सुनते रहेंगे और जो भी जगाती बीच उपस्थित है जत्रा का लुत्फ उठाते हुए संस्कृति का आनंद लेते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि सम्मानित अतिथियों के माध्यम से लगाते आए हैं और आज भी हम उसको अपनी भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं।
सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाता है, उसी भी एक तरह से पूरी करता है। खेला जाए तो आपको लगता है कि और भी लोग प्रेरणा लेकर इस तरह के झूमर खेलेंगे। और देखिए यहाँ पर कितने तन मन से और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर लोग अपना नृत्य दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और समय अगर मिलेगा, अगर इन लोगों के पास समय होगा तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आप लोग कहाँ से हैं? मलमाड़ू के। बहुत अच्छा तैयारी है, तैयारी अभी तक जहाँ जितना लोगों को देखिए सबसे अच्छा नृत्य। देखिए अब देखने वाला पर निर्भर करता है, और जो जानेगा वही जानेगा, जो नहीं जानेगा वो नहीं जान सकता है। हम लोग कर्मा जो डांस होता है ना, वही डांस हम लोग ओरिजिनल डांस है, और वो भी मानदर के थ्रू ओरिजिनल डांस कर रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा कि है कोई इधर उधर गाना है ना, कुछ है ना, जात्रा है ना, कर्मा है। हम लोग का ओरिजिनल जो कर्मा का जो गीत है ना, वही गीत में डांस कर रहे हैं। बाकी बात तो और बोलिए, उसके बाद कुछ बोलिए तो उसका भी। और जो देखने वाले लोग हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिए, कि आजकल देख रहे हैं कि सब पढ़ाई लिखाई करके अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? मेरा कहना ये है, हम इसको देखने वाले तो बहुत कोई बोल रहा है कि देख के भूल जाता है, लेकिन याद रखने के लिए को याद करने के नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि इतना सा कि थोड़ा बहुत याद रखो भाई, ताकि अगला दिन के लिए आप लोग को भी काम आ जाए। तुमने कहीं जाके बोलेगा कि हम आदिवासी हैं, और कहीं आदिवासी के जगह में बोल देगा कि आदिवासी है बाबू, तो कुछ तो आदिवासी कुछ कारनामा करके दिखा हमको, बोल देगा नाचने के लिए, नाचने के लिए बोल देगा, या तो गाना गाने के लिए बोल देगा। उस टाइम अगर नहीं गाना जाने ना गाना जान सकते हो ना नाचने जाने हुए, तो फिर कैसे क्या होगा बताइए। इसी में हम कुछ ना कुछ याद रखो कि आदिवासी का क्या जो रीति रिवाज है उसको कायम याद तो रखो, बोल नहीं सकते हो लेकिन जो दिल में जो भड़ास है वो तो याद रहना चाहिए ना। और अगर मैं अपना बात बोलूँ तो यहाँ पर जो जिस तरह से नृत्य आप लोग किए, हाँ, देख के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम भी ऐसा सीखें। देखिए भैया आप भी आइए, नहीं बुलाने की बात नहीं है, आप भी आइए, आप भी नाचिए, साथ में नाचेंगे। आपका नृत्य उत्साह बढ़ाने वाला नृत्य है, बहुत अच्छा लगा। चलिए आपसे बात करके भी अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों ये लोग मनमाड़ू के हैं और इन लोग का नृत्य सबसे अच्छा लगा, आप लोग को बात भी कराए। तो देखिए और भी मेला है और जितना भीड़ है आप लोग को दिखाते रहेंगे, और भी नृत्य वहाँ पर भी आप लोग लेकर चलते हैं। तो देखिए समय के साथ में शाम होने को है, और भी बादल भी है और शाम भी होता जा रहा है, और इसी बीच देखिए भीड़ भी थोड़ा सा बढ़ते ही जा रहे हैं। Hey!
दोस्तों शाम होने वाला है, तब तक आप लोगों को दिखाते हैं। दो चार घोड़ा अभी दिखाना बाकी है, तो आप लोग इतना दूर देखें पेशेंस करके, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए अलग तरह से यहाँ पर नृत्य है, उसको आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इसे ठेसका कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए इन लोगों का थोड़ा अलग तरह नृत्य लगा, और इसे ठेसका कहा जाता है। पहले ज़माने में से यूज़ किया जाता था, आजकल इसके आदिवासियों के पास इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है, बजाने का जो यंत्र है, आदिवासियों के पास ही देखा जाता है। चैनल का नाम आई गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि और सालों से इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार बहुत ज़्यादा भीड़। हम लोग को 2:30 बजे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन देखते ही देखते इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो गया। और यहाँ पर जितना आप लोगों को मैदान दिखाए थे, वहाँ पर पूरी तरह से जितना भी झंडा था वहाँ पर पूरा घोड़ा टीम वहाँ पर आ गई थी और सब में फूल हो गया था। और भीड़ तो इतना ज़्यादा थी कि हद से ज़्यादा, यानी कि पिछले जितने भी सालों में यहाँ मेला लगा है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ इस बार भीड़ हुआ। और लोग इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और लोगों को समूह से कहते हुए सुने कि ये मुड़मा मेला में किस तरह से मेला लगता है, दुकानें लगती है, उस तरह से यहाँ पर दुकानें लगी। तो इस बार का वीडियो बहुत अच्छा लगा, इस बार का मेला बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इंद यात्रा कैसा लगा। और यहाँ अगर आप कभी नहीं आए हैं और इसके आसपास में रहते हैं तो यहाँ का मेला एक बार जरूर आइए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।